आज का सुसंस्कार प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। दुनिया में कई तरह के रसायन होता, मीठा, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर रस होते हैं। ये पांच तरह के मुख्य रस होते हैं जो कि हमारे रसन इंद्रिय के होते हैं। तो इन सब रसों से भी ऊपर है वो प्रेम का रस होता है। प्रेम का रस मतलब हम दूसरे के प्रति सम्मान करते हैं, दूसरे को लाइक करते हैं, दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, उसके मंगल की कामना करते हैं, समस्त जीवों के मंगल की कामना करता है, विश्व के समस्त लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब हम मिलजुल करके और वसुधैव कुटुंबकम का वातावरण बनावें, ऐसी भावना रखता है और हर एक घर के सदस्य के साथ में प्रेम से बात करता, किसी से अकड़ करके अहंकार से नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा रसायन है और ऐसा व्यक्ति हर एक व्यक्ति को बस में कर लेता है, वो समाज में पूजनीय, वंदनीय, स्तुति बन जाता है। बड़ा आदमी है तो देश में स्तुति होता है और विश्व का तो विश्व में स्तुति हो जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रेम के माध्यम से हम चाहें जिसको विजय कर सकते हैं। और प्रेम एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होती है, व्यक्ति ऑटोमेटिकली खींचा आता है और प्रेम का जो व्यवहार होता है, प्रेम का रिश्ता होता है वो बहुत मधुर रिश्ता होता है। कई बार जो है माता पिता, भाई भाई, पति पत्नी का भी रिश्ता है वह कटुता में बदल जाता है, लेकिन अच्छा मित्र हो और जिसके साथ प्रेम का संबंध हो तो वो जिंदगी भर तक चलता है। इसीलिए कहा गया कि प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। तो हमें हमेशा हरेक से जो बात करनी है प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। प्रेम पूर्वक का बात का अर्थ यह है हमारे भीतर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, जो ये नाग है ये नहीं आने चाहिए। ये जब मिल जाते हैं तो प्रेम हमारा दूषित हो जाता है, वो प्रेम युक्त वाणी जो है वह दूसरे रूप में हो जाती है, व्यक्ति को खटकने लगती है, वह व्यक्ति को जो है परेशान करने लगती है। और प्रेम विशुद्ध होता है ईश्वर के प्रति भी अगर, और हमारी आत्मा के प्रति जो श्रेयस का जो प्रेम है वो हमको मुक्ति में ले जाने वाला है। प्रेयस का जो प्रेम होता है वो व्यवहार जगत को अच्छा बनाने वाला होता है। दोनों भी आवश्यक है, लेकिन हमको डेवलप करना है वह श्रेयस प्रेम को डेवलप करना, यानी हमारे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना है, क्योंकि ज्ञान दर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। हर एक व्यक्ति आजकल डेवलपमेंट चाहता है, तो डेवलपमेंट किसका करें, हम आध्यात्मिक जगत में डेवलपमेंट होना चाहिए ज्ञान दर्शन का, क्योंकि ज्ञान दर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है।